काफी अच्छा वार्म अप हो गया सबका, है ना? ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आप लोगों से सिर्फ मिलना चाहता था, लेकिन प्रैक्टिस कल से स्टार्ट हो जाएगी, रोज 4 बजे, ठीक 4 बजे। हे भगवान, 4 बजे प्रैक्टिस, हम घर पे सबको क्या बताएंगे? आज आप लोगों ने 2 राउंड लगाए हैं सिर्फ देर से आने के लिए, कल 3, परसों 4, तरसों 5, और ये पनिशमेंट बढ़ती ही रहेगी, तो डोंट बी लेट। और रचना, यही नाम है ना आपका, कल से मैं आपको स्पोर्ट्स केयर में देखना चाहता हूं, एंड नो एक्सक्यूजेस। ठीक 4 बजे, ऑल कैन गो नाउ। कहां से और कैसे आएगा स्पोर्ट्स केयर? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। मयंक, ए मयंक, हमारी बात तो सुन बेटा। बेटा बेटा, अचानक ऐसा क्या हो गया है? अरे कुछ तो बता दे, अपनी माँ को भी नहीं बताएगा क्या? मयंक देख बेटा, तुझे शादी नहीं करनी है तो भी कह दे हमसे, हम तुम्हारी माँ हैं, हम तुम्हारे से जबरदस्ती। बेटा तुझे हमारी कसम, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अरे तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही कर सकते हो? हम नहीं कर सकते, हम भी देखते कैसे जाते हो तुम। चल दीदी, चल दीदी। अच्छा बाबा, हम मानते कि हमसे गलती हो गई, हमें तुम्हारी शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बेटा बेटा, ऐसे रूठ कर मत जा हमसे। अरे माँ प्लीज, मुझे जाने दो, मत जाना है मुझे। हम भी देखते कैसे जाओगे तुम। चल दीदी, जल्दी आइए। क्या हुआ सीमा? देखिए ना दीदी, पता नहीं इस मयंक को क्या हो गया है, ये सामान पैक करके कानपुर जा रहा है। क्या ताजी, प्लीज इन्हें समझाइए ना, मुझे जाना है। लेकिन बेटा क्या हुआ, बात क्या है ऐसे अचानक? बात बस इतनी सी है दीदी की, जब से रिश्ता तय हुआ ना इसका। प्लीज माँ, आप प्लीज समझो। देखिए देखिए, शादी के नाम पे कैसे गुस्सा हो जाता है ये। क्या ये सच है मयंक? बस करो, कब से पीछे लगी हुई हो, मैं कोई आत्महत्या नहीं करने जा रहा। चुप चुप बोल बेटा, ऐसे कैसे बातें। दीदी संभालो अपने आप को। जाने के लिए तैयार हो? जी पापा। जाने से पहले थोड़ा बात कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, जरूर बैठो। देखो मयंक, तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो, लेकिन अगर कोई बात है जो तुम्हें सता रही है
और हमें बताना चाहते हो तो बता सकते हो। नहीं पापा, आप तो जानते हैं कि मैं आपको सब बात बताता हूं। तभी तो पूछ रहे हैं कि अचानक कानपुर जाने की कैसे सोच ली। बस पापा ऐसे कुछ टाइम अकेले अपने साथ बिताना चाहता हूं। दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही हैं, उन सब पर सोचना चाहता हूं अकेले शांति में। इतने दिन यहां रहा वो मेरा फैमिली टाइम था, लेकिन अब मैं अपने लिए अपना पर्सनल टाइम चाहता हूं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का टाइम। मिलेगा ना टाइम? लो जितना चाहे टाइम। क्या यार मुस्कुराओ अब, तुम्हारी माँ ने हमें तो डरा ही दिया। तुम जानते हो उसकी पुरानी स्पेशलिटी है किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा घबरा जाना और एक बात पकड़कर बस गाय की तरह उसे पूरे दिन चबाते रहे। तुम डरो मत, बेफिक्र होकर चले जाओ, हम समझा देंगे, मतलब कोशिश करेंगे। बाकी सच्चाई तो तुम बचपन से देख ही रहे। अब बताओ, अब पैकिंग वैकिंग ठीक से कर ली कि नहीं? हम आ गए स्कूल से। गुंजन दीदी कहाँ है? आपके लिए क्या लाए हैं? Get well soon. दीदी अब जल्दी से ठीक हो जाओ ना, फिर हम दोनों साथ में खूब खेलेंगे और खूब मस्ती करेंगे, है ना दीदी? अरे वाह डोलू, ये तो बहुत ही सुंदर कार्ड है, थैंक यू। क्या हुआ गुंजन, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मेरी चोट में पेन हो रहा था इसलिए। दर्द हो रहा है? चलो फौरन डॉक्टर के पास चलते। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं दवाइयां ले रही हूँ ना, ठीक हो जाऊंगी। फिर ये है ना गेट वेल सून कार्ड, अब सारे दर्द सब ठीक हो जाएगा। नहीं पहले आप हंसो। अरे ऐसे नहीं, और जोर से हंसो। अरे हंसो ना दीदी, हंसो। अरे हंसो ना, अरे अच्छी तरह हंसो ना मेरी प्यारी बहन। हंसो हंसो। सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़ो बनके। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़ो बनके। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।